हाँ जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी जी, आप ही से बात कर रही हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबर सबर एक मिनट, मेरी वीडियो को फुल तो देखें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब? एंड गुड आफ्टरनून। तो हमने तो खाना वगैरह सब कुछ खा लिए, तो अभी मैं नमाज की तैयारी करती हूँ। और ये देखे फ्रेंड्स, खजूर भी खा लिए थे, और खजूर की मैं इसी तरह ये गुठलियाँ जो थी ये जमा करती हूँ। आप भी इस तरह करते हैं कि नहीं? काफ़ी सारी मैंने जमा की हुई हैं, तो ये है। और अभी मैं नमाज पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद और फिर गपशप करते हूँ। मेरा ब्लॉग पूरा आखिर तक देखें, मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और कोशिश कर रही हूँ कि एक ब्लॉग दूसरे से अच्छा बनाने की, बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अच्छा जी, मैं अभी चलती हूँ नमाज के लिए, और फिर नमाज के बाद और ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाती हूँ, बहुत यम्मी है। ये देखें, ये किसी ने मोटे चावल भिजवाए, मज़ेदार। ये देखें, सबर मैं आपको अभी दिखाती हूँ चम्मच के साथ भी। ये देखें, ये ऊपर से घी, ये वाला देसी घी ये डाला हुआ है, और ये मज़ेदार मोटे चावल। ये देखिए ज़रा, बहुत मज़े के। और साथ में ये गोश्त, ये चारसदा इधर पेशावर इस साइड पर, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत ज़्यादा अच्छी डिश है। ये अक्सर शादियों में या इस तरह ये ख़ास बनाई जाती है, गोश्त से भरी हुई ये मोटे चावल। ये देखें, बहुत मज़े के, बहुत ज़्यादा। हम पठानों में तो ये होते हैं कि हम पलेटों में फिर किसी के घर चीज़ें नहीं देखते, ऐसे पतीलों में डालते हैं। देखिए बेस्ट, ये खाने पे, ये चावलों पे टूट पड़े हैं, देखे ज़रा, ये छोटे छोटे बाल, प्लेट नहीं मिल रही थी इसमें डालिए। अगर इसके ऊपर हम ये देखें, मज़ेदार से चावल। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने सूप बना लिए, मगर बनाते वक्त मुझसे भूल किया था, अभी याद आए तो जल्दी से फिर मोबाइल मैंने उठा लिए। तो ये तो सिंपल सा बस सूप है, इसमें पानी मैंने बॉईल किए, नहीं चिकन बॉईल किए और साथ में ये देखिए कैरेट्स वगैरह ये डाली है मैंने, ये कद्दू डाले इसमें, और ये आखिर में फिर मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर और ये सिरका डाले। ये काली मिर्च नहीं थी, थोड़ी सी थी तो वो डाली है, और ज़रा सी ग्रीन चिली डाली है टेस्ट के लिए। ये तो फिर मैं हटा दूँगी, इसलिए कि काली मिर्च नहीं थी तो इस वजह से ये ग्रीन चिली, ये देखें तो ये डालिए, ये तो नहीं खाते इससे, ज़रा सा और सरका डाले, सोया सॉस और सरका, तो अभी ये ज़रा गर्म हो जाए तो बस फिर ये तैयार है। और कॉर्नफ्लोर भी थोड़ा सा था, देखिए इसकी थिकनेस, तो ये तो काली मिर्च नहीं थी तो ये इसकी वजह से, तो जब फिर भी अच्छा है बस टेस्ट इसका। और ये चिकन को इस तरह छोटे छोटे, उसमें ये तो पता होगा आपका, बस ये सिंपल से ये चिकन सूप बनाए, तो आप भी इसी तरह करें। ये देखें वेजिटेबल भी साथ, ये भी अच्छा होता है, ज़्यादा नहीं डाली, इतनी डालिए मगर चले फिर भी, तब ये गर्म हो जाए तो बस। ये बाहर बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स आज सर्दी है, तो बिल्कुल कोई काम दूसरा किया ही नहीं है, बस थोड़ा सा काम ज़रूरी करके और फिर अंदर बिस्तरे में जाने को जी चाह रहा था। एक अंडा भी साथ डाल दिए, उसको भी पेंट कर दिया था मैंने कॉर्नफ्लोर के साथ, और फिर इसमें डाले तो ये इस तरह से देखें, ये वाइट वाइट। बस ये छोटे से बॉयल में, बाउल में डाल रही हूँ, जो अभी और बाउल निकालूँ सूप वाली है वो गंदे हो जाएंगे, वो धोना मेरे लिए फिर मुश्किल है, तो बस इसमें डाल रही हूँ ये मज़ेदार सा सूप। यम्मी, देखें और हस्बैंड ये देखें, ये और क्या लें, ये मेरी फेवरेट रेवड़ियाँ लाई हैं, ये बादाम जो हम बहुत शौक से खाते हैं साल भर ये, और ये हो गए टमाटर, अब इसको मैं फिर कभी बॉइल करूँगी, अभी तो ताकत नहीं है, और फिर करूँगी इसको अभी। अच्छा मैं इनको सूप देती हूँ और फिर बाकी बातें और करती हूँ। दोस्तों ये देखिए रात का टाइम है, तो बेटी ने कहा कि नहीं मेरे लिए चाय पराठा अंडा बनाए, और सब्जियों में अक्सर हमारे घर में खाना भी करते मगर चाय पराठा अंडा, सुबह नाश्ते में इतना नहीं शौक से खाते रात के टाइम,
तो ये भी मैं इसके लिए बना रही हूँ। तो पूरा किचन इसी तरह बिखरा हुआ पड़ा कि फिर मैं भी करूँगा ऐसे बिल्कुल काम को। आज क्या मेरा सर्दी में काम ही नहीं करता, दिल का घर के काम करने को दिल ही नहीं करता। अंडा वो येलो दूध के, उसको तो ये येलो पसंद है। अब प्लेट में देखती हूँ, फिर ये उसमें डालती हूँ। ये भी चाय बनानी है इसकी, ये की है और हस्बैंड के लिए भी। सालन गरम कर, ये कीमा आलू है ये गरम हो जाए, और ये दूसरे में ये लोबिया लाए बाजार का, चटपटी सा है तो ये हो जाएगा। ये हस्बैंड को मैं दे दूंगी और किचन समेटा समेटी फिर बाद में करूंगी। और ये इसके लिए भी ट्रे तैयार करती हूँ। ये करके एप्पल इसी तरह पड़े ईशा पर से इस तरह सुराख करके तो ये निकाले। और ये एग्स भी इसी तरह ये रखूंगी मैं, ये इसी तरह कर लेती हूँ। नमक ऊपर डाली, मिर्च ख़त्म हो गए, ये हो गया। बेटी के लिए कर लेती हूँ और हस्बैंड को, जब तक सालन गर्म होता है ये उसको दे आती हूँ मैं। और इसके साथ भी कटोरा भी रखती हूँ, ये ठंडी करेगी उसमें चाहे, वो देखती हूँ वो किधर पड़ा हुआ है। और ये भी हो गया। और फ्रेंड्स एक बात बताती हूँ, मुझे तो बोलने की ज़्यादा आदत नहीं है, खामोश रहती हूँ मैं। तो ये है कि इससे मुझे ज़रा बोलना आ रहा है, मैं खामोश तबीयत वाली हूँ। और ये भी है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मैं ज़रा डिप्रेशन में चली गई थी ना, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि मैं अच्छा अच्छा सोचती हूँ। मैं कहती हूँ व्यूवर्स को ये दिखाऊँगी, ये इस तरह करूँगी, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बुराइयों से, इधर उधर की बातों से, पड़ोसन ये करिए, रिश्तेदारों में ये हो रहा है, तो ये उन चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा, मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर कमेंट्स में पढ़ती हूँ, एक है फातिमा फिरोज़, वो हर वक्त मुझे कमेंट करती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है यूट्यूब का ये चैनल जो मैंने बनाया, तो मैं बहुत ज़्यादा व्यूज़ मेरे इंतहाई कम है, मगर फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं बनाती हूँ तो पॉजिटिव सोचती हूँ, वो आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया, ख़ासतौर में फातिमा आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप फिर मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और हम पठान लोग तो बहुत ज़्यादा बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो ये तो शुक्र है कि हस्बैंड सपोर्ट है उसकी, तो ज़रा इस लाइन में मैं आ गई हूँ। वरना 10 बार मैं सोचती हूँ और वीडियो बनाती हूँ, फिर डिलीट करती हूँ, फिर इस तरह करती हूँ, तो हस्बैंड की अच्छी खासी मेरे साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है कि सपोर्ट है। तो चले अभी बच्चे भी बड़े हो गए तो इतना वो नहीं अपनी, तो ये कर लेती हूँ कि हस्बैंड की कहते हैं कि चलो खैर है आप बना लिया करें, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अभी रात का टाइम है, ये तो ये दे रही हूँ मैं, और उसके बाद हस्बैंड को मैं खाना दूँगी। और भी अगर कोई काम हो, मगर ख़ास नहीं है अभी, और कोई फिर सुबह की रूटीन देखो, यही बस आम घरों में यही रूटीन होती है, बस सुबह से शाम तक यही काम होते, आना जाना मेरा कहीं पर होता नहीं है कि कहीं जाऊँ बाज़ार वगैरह किसी के घर, वो बहुत ही कम है मेरा आना जाना, तो वो बिल्कुल नहीं है मेरा, तो इसलिए वो भी कोई ख़ास शेयर नहीं करती मैं। तो हस्बैंड कहते हैं कि घर बैठे ये कर दिया करो ब्लॉगिंग वगैरह, मगर बाहर जाने के ऐसे ख़ास सख्ती भी नहीं है, मगर इतना ख़ास खुश नहीं होते कि बस खैर है घर में कहीं आऊँ जाऊँ रिश्तेदारों में, तो थोड़ी देर के लिए इंतहाई घंटे के लिए इसी तरह अम्मी के घर चली जाऊँ, तो हस्बैंड इस काम से खुश हैं कि नहीं घर में बस खैर है ये कर दिया करो। और बस ये देखें, ये मैंने रेवड़ियाँ खाई है, खोलिए काम भी कर रही थी, पराठा ये भी बना रही थी, ये भी साथ में खा रही थी। और ये है बस, ये भी चीज़ों को समेटा समेटी रख करती हूँ। तो मेरे ब्लॉग को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बस अल्लाह हाफिज़।